अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 8820 के बाय डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं कि हमें जो भी यहाँ वैल्यू दी गई है इसे हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना है एंड तक, जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और इसे हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये वो नंबर जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे वन के, वो नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। तो इस वैल्यू को हमें पूरा एंड तक डिवाइड करना है प्राइम नंबर से, तभी हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकेंगे। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है 2, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 आए तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास 0 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे, यहाँ पे भी 8 है तो वो आएगा 4 पे। 2 के टेबल में 2 भी आता है 1 पे, और 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अभी भी लास्ट में 0 है, यानी कि अभी भी वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है, तो अभी भी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता। 1 से छोटा कौन सा नंबर आता है? 1 से छोटा नंबर आता है 2 के टेबल में 0, क्योंकि हर टेबल 0 से स्टार्ट होता है। 2 टाइम 0 इज 0, हम यहाँ क्या लेंगे? 2 टाइम 0 इज 0, ठीक है। यहाँ हमने 0 लिया, 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है वो चला गया अब इस 0 के पास, और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, ठीक है। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 2205। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 की डिविजिबिलिटी हम किस तरह चेक करते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसके सारे डिजिट्स को प्लस करके देखेंगे। अगर ऐसा नंबर बने जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम इन सबको प्लस करें, 2 + 2 = 4, 4 + 0 = 4, एंड 4 + 5 = 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू इजिली 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 तो जब हम इसे डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता, इसलिए हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 3 के टेबल में अगर हम 2 डिजिट्स लेंगे 22 बन जाएगा। 3 के टेबल में 22 भी नहीं आता, उसे छोटा नंबर आता है यहाँ 21, और वो किस पर आता है? 7 पे आता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो 1 चला गया 0 के पास, ये बन गया 10। 3 के टेबल में 10 नहीं आता, उसे छोटा नंबर 9 आता है, और वो किस पर आता है? वो आता है 3 पे। फिर से हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 5 के पास, और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। दोबारा से हम इन सबको प्लस करके देखेंगे कि क्या अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15, 15 आपको पता है 3 का मल्टीपल है, यानी कि अभी भी ये वैल्यू 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में लेकिन 7 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 3 के पास, और ये बन गया 13। 3 के टेबल में 13 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर 12 आता है 4 पे। 1 जो रिमाइंडर था वो चला गया इस 5 के पास, और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे। फिर से हम इनको प्लस करेंगे, 2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि अब ये वैल्यू जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 5 से इजीली डिवाइड हो सकती है। यहाँ पे हमें 5 नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि वैल्यू 5 से इजीली डिवाइड हो सकती है। लेकिन 5 के टेबल में 24 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 20, और वो आता है 4 पे। जो हमारे पास यहाँ 4 रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास, और ये बन गया 45। 5 के टेबल में 45 बिल्कुल आता है 9 पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 49 हो गया ये, इसके लास्ट में ना ही 5 है और ना ही 0 है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू 5 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 7, और 7 के टेबल में 49 हम देखेंगे आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे, ठीक है। और 7 जो है फिर यहाँ पे 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, अपने ही टेबल से इसे हम डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। देखिए ये वैल्यू जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स हम किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ ये सब जो है वो प्राइम फैक्टर्स हैं 8820 के। तो हम इन सबको यहाँ लिख देंगे, 2 × 2 × 3, यहाँ लिख देती हूँ मैं बाकी के नीचे,
मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। ये तमाम जो हैं वो प्राइम फैक्टर्स हैं 8820 के। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स हमने सही फाइंड आउट किए हैं या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास अगर यही वैल्यू बन रही है 8820, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर्स बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।